वेलकम टू मिडिल एजुकेशन लीजिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने कक्षा नौवीं के अंग्रेजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा था और अब आपके सामने प्रेजेंट है कक्षा नौवीं के हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं बेस बनाऊंगा आपके त्रैमासिक पेपर को लेकर के। जिस प्रकार से त्रैमासिक पेपर में क्वेश्चन डिजाइन हुआ था, ठीक उसी प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 12 तारीख से स्टार्ट है, तो मजाक के बिल्कुल ही मतलब आपका डेट फिक्स हो चुका है। यदि आपको अभी भी डाउट है तो अपने स्कूल के शिक्षक से आप पूछ सकते हो। एंड यहाँ पर एक चीज मैं अगेन बता देता हूँ, यहाँ पर जिस क्वेश्चन को मैं टिक कर दूं उसे अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये बात मैं दावा ठोक के कहता हूँ और डंके की नोक पे कहता हूँ। ओके, तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज मैं कन्फर्म कर दूं, आपका जो पेपर बनेगा वो दो किताब को मिला करके बनेगा। पहला वही जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है हिंदी का किताब, और दूसरा कक्षा नौवीं की हिंदी के ब्रिज कोर्स से प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में क्या हुआ था कि ब्रिज कोर्स से कितने प्रश्न आए थे, लगभग 50% यहां से प्रश्न देखने गए थे। लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा में 25% यहां से प्रश्न आएंगे, बाकी 75% आपके पूरे पूरे किताब से आएंगे। लेकिन जब आपका वार्षिक परीक्षा हुआ तो 100% आपकी किताब से आएगा, फिर ब्रिज कोर्स को हटा दिया जाएगा। ओके, तो देखिए आपके क्वेश्चन पेपर 75 मार्क्स का अर्धवार्षिक रहेगा, ठीक है। टोटल 23 प्रश्न पूछेंगे, समय 3 घंटे दिलाएंगे। पेज का पेपर रहेगा, ये डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब देखो निर्देश में सब बातें लिखी है, इसको ध्यान से देख लो, इसी निर्देश को फॉलो करना है यदि आप 10वीं कक्षा में टॉप करना चाहती हो तो। जैसे मैं पेज को ओपन करता हूं तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे आपके त्रैमासिक परीक्षा में। 6 प्रश्न आपके बहुविकल्प के आए थे, 6 प्रश्न आपके रिक्त स्थान के आए थे, 6 प्रश्न सही जोड़ी के, और यहां पर 6 प्रश्न आपके एक वाक्य के, और 6 प्रश्न सत्य असत्य के पूछे गए थे। ठीक इसी प्रकार से आपके ब्लूप्रिंट में भी दिया है, मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर रेडी किया गया था वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही बनाया गया था। देख सकती हैं कुछ इस प्रकार से आपका ब्लूप्रिंट है, तो ब्लूप्रिंट को जरूर आप ध्यान में रखना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। देखो क्षितिज भाग 1 से टोटल 17 नंबर का पूछा जाएगा, काव्यबोध से 10 नंबर का, क्षितिज भाग 1 गद्यखंड से 17 नंबर का, और यहां पर काव्यखंड से 17 नंबर का। आगे देख लेते हैं तो भाषा बोध से 8 नंबर का प्रश्न आएगा, कृतिका भाग 1 से 8 नंबर से, अपठित गद्यांश जो पूछता है, जो किताब से नहीं होता, हमेशा बाहर से होता है, और बाहर से मतलब वो ब्रिज कोर्स से होता है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा 4 नंबर का। पत्र आपको दिया जाएगा, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक मतलब होता है जो आप किसी संस्था को पत्र लिखते हैं, जैसे कोई स्कूल हो गया या फिर नगर पालिका नगर निगम, उसे बोलते हैं औपचारिक। और अनौपचारिक मतलब होता है अपने कोई यार दोस्त मित्र को लेटर लिखते हैं, उसे कहते हैं अनौपचारिक, ठीक है। ये 4 नंबर का आएगा, और आपसे एक निबंध दिया जाएगा, वही आपको पता है कि विज्ञान का चमत्कार जल ही जीवन है, विद्यार्थी जीवन अनुशासन का महत्व, यही सब पूछता है। 7 नंबर का आएगा, और टोटल आपका पेपर 75 मार्क्स का रहेगा। एंड 23 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे भी दिया गया है और यहाँ पे भी दिया गया है। तो अब हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। ब्रिज कोर्स को बाद में कवर करेंगे, जो पार्ट नंबर 2 नाम से वीडियो आएगा, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। इसमें किताब से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं 75% उसको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। देखिए जैसे मैं पेज को ओपन करता हूँ, एक मॉडल प्रश्न पत्र दिया है, ये मैटर नहीं करता, इसे देखना भी नहीं है। हमारा जो प्रश्न आ रहा है वो यहां से आ रहा है, उसको मैंने टिक कर लिया है कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं वस्तु को छोड़ता हूँ, सीधे 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न को कवर करूंगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 पे आपको टिक करना है, यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो। पूरा पूरा पेपर आपका प्रश्न बैंक से डिजाइन हो रहा है, कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चों को इस बात को ध्यान रखना। प्रश्न पूछा गया है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया, वही हथकड़ी जो पुलिस चोर के हाथ में लगाती है। तो वैसे तो आपको पता है कि हथकड़ी जो होती है वो अपराधियों के लिए बंधन हो सकती है, मतलब अपराधी को रोकने कार्य करते हैं, लेकिन जो देश प्रेमी होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, उनके लिए गहने से कम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो देश को स्वतंत्र कराने के लिए और हाथ में हथकड़ियां पहन ली थी, मतलब कसम खा ली थी कि यार हम देश को स्वतंत्र करा के रहेंगे, इसलिए हथकड़ी को गहना कहा गया है। बस इतना से लिखना है, वेरी सिंपल आंसर है, मैं आपको समझा भी दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, और यहीं पर एक एक चीज आपको रटा दूंगा। ओके चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको 6वां नंबर तैयार करना है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। तो सिंपल सा आपको लिखना है, कोयल जो होती है वो स्वतंत्र है, ठीक है, तथा वह स्वच्छंद होकर के उड़ सकती है, मतलब उसको कोई रोक टोक नहीं उड़ने में, परंतु जो कवि है, कवि मतलब माखनलाल चतुर्वेदी जी, ये काल कोठरी में कैद थे और कोयल के गीतों को सुनकर के लोग बहुत खुश होते थे, जबकि कवि को रोना भी मना था। मतलब सिंपल से यार, कवि काल कोठरी के अंदर थी, कोयला स्वतंत्र रूप से उड़ रही थी, तो कवि को जलन हो रही थी यार कि बताओ देखो उड़ रही है और हम तो काल कोठरी के अंदर घुसे पड़े हैं। वो हर जगह बिछड़ कर सबको खुश कर रही है, कभी बेचारे गाना भी नहीं गा सकते, किसी खुश नहीं कर सकते, इसलिए कोयल से ईर्ष्या हुआ करती थी। और होता भी तो सत्य है,
आपके घर के बगल में कोई बंदा आपके क्लास में हो और वो टॉप कर दे और आप ना करो तो आपको भी जलन होगी। भले आप उससे अच्छे से बात कर रहे हो लेकिन अंदर ना अंदर कहीं ना कहीं खटकेगा कि बताओ टॉप कर दिया वो, हम ऐसे ही रह गए। और आपकी मम्मी जो आपको पीटेगी डांटेगी सो अलग। ठीक, चलिए तो यहां पर इन दो प्रश्नों को रेडी करना है। तीसरा प्रश्न देख लो, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। तो आपको यहां पे लिखना है, अरहर और सनई के सुनहरे खेत को देखकर के कवि को ऐसा लगता है कि मानो धरती ने अपनी कमर पर सुनहरे रंग के घुंघरूले बालों करधनी पहन रखी हो। मतलब उनको ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी अपने कमर पर वो जो नहीं होता क्या बोलते हैं सकरी वकरी, वो पहन के रखी है। बस इतना सा आपको लिखना था। तो यहां से यहां तक आंसर लिखना है, 100% सही आंसर लिखा है। लेकिन एक चीज मैं अगेन कन्फर्म कर देता हूं, यदि आपने क्वेश्चन बैंक खरीद लिया है, ठीक है, ये प्रश्न बैंक है, यदि आपने प्रश्न बैंक खरीद लिया तो इसमें बहुत सारे आंसर गलत दिए गए हैं, बहुत सारे आंसर फिजूल के दिए गए हैं जो काम का नहीं है। तो प्लीज मैं यही बोलता हूं कि इसको अवॉइड करना। यदि आपके पास परीक्षा बोध वगैरह हो या फिर किताब वगैरह है, फिर आपकी स्कूल में जो आंसर लिखाया गया वही लिख करके आना। केवल यहां से आपको प्रश्न देखना है, उत्तर नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, छायावाद के बारे में लिखिए। प्रश्न पहले दिया गया था फिर हटा दिया गया है इसलिए मैंने कट कर दिया हूं। ठीक है, अब आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है ये, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, दावा ठोक के कह रहा हूं। ठीक है, जिस क्वेश्चन को कट गया उसको नहीं पढ़ना है। आगे देख लीजिए, यहां से कोई प्रश्न नहीं आ रहा। ये 19 नंबर देखना है, भक्ति काल के दो कवि और प्रत्येक की दो दो रचनाएं लिखिए। तो भक्ति काल के दो कवि कौन कौन से हैं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और जायसी। ठीक है, इनकी दो दो रचनाएं लिखनी है। तो देखो, अब आप खुद देख लो, भक्ति काल के कवि का नाम तो लिख दिया लेकिन रचनाएं नहीं लिखा ना, तो गलत बात है ना यार, इसको रचना भी लिखना चाहिए। अब स्टूडेंट यहां पर कवि का नाम लिखे फिर रचना के लिए अलग किताब उठाए, बहुत गलत ये प्रश्न छापा गया है। मैं उम्मीद करता हूं और इनको मैं लेटर भी लिखूंगा कि अगर प्रश्न में आप छाप रहे हो तो पूरा उत्तर लिख करके दो। अगर आप इसकी कीमत 10 रुपए रखे हो तो 15 रुपए कर दो, बच्चों को आसान कर दो एक एक आंसर ढूंढने में। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट 20वां नंबर, छायावाद के दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो दो विशेषता पूछा है, आप यहां पर दो नहीं बल्कि 5 विशेषता दी गई है, तो आपको दो पढ़ के जाना है। पहला नंबर, छायावाद सौंदर्य और प्रेम का चित्रण, अमूल तथा भाव प्रणय है। दूसरा नंबर, प्रणय की अनुभूति प्राकृतिक के माध्यम से व्यक्त है। तीसरा नंबर, मानवीय गुणों एवं नारी का सम्मान। चौथा नंबर, प्राकृतिक का सजीव चित्रण और उसमें सूक्ष्म मानवीय भाषाओं का आरोपण। तो कुछ इस प्रकार से आपको दो लिखना है, इस बात को ध्यान देना। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट 22वां नंबर, 22वां नंबर कहता है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, नाम और समय सीमा लिखिए। तो पद्य साहित्य का इतिहास को पढ़ लेना, ये 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है और इस बार अर्धवार्षिक पेपर में ही आ रहा है। मैं आपको बता देता हूं, आपका अर्धवार्षिक पेपर डिजाइन हो चुका है। ठीक है, तो देखो, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी और नई कविता, ये इनका टाइम पीरियड लिखा है। टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड ध्यान रखना। बाकी युग 6 आ चुके हैं वर्तमान में, इस बात को भी ध्यान देना। नई कविता में जो नए नए कविताएं बनते हैं, नए नए कवि हैं जिनका हास्य रस का ज्यादा यूज होता है, ये होती नई कविताएं। ठीक है, मैं आपको पहचानना सिखा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार। एक एक चीज नाम से स्पष्ट, यार जो आपका छायावादी है ना, तो छायावादी में जो कविताएं लिखी जाएगी वो प्रकृति से प्रेम संबंधी रहेगा। समझ लो, जिस कविता में प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है, नेचर के बारे में बोला गया है, वो छायावादी की कविताएं हैं। वेरी सिंपल। नई कविताएं, जिस कविता में हास्य रस का प्रयोग किया गया है, नई कविताएं हैं। द्विवेदी युग, जिस कविताएं में ज्यादा भक्ति को बढ़ावा दिया गया है, अरे भगवान के बारे में बोला गया ज्यादातर, वो द्विवेदी युग की कविताएं हैं। आप पढ़ के और देख सकते हो आसानी से। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, यहां से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है जो आपके एग्जाम में आ रहा है। हाँ, इसके बाद आप देख लो भैया, यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका जो अर्थ अर्थ लिखने दिया करता है ना, तो ऊंचे कुल का जन्मिए जी, इसको अच्छे से देख लेना, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो इस 2 नंबर को टिक कर लो। ये देखो प्रश्न क्या है, काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। और इस प्रश्न को ये देखो, संदर्भ, संदर्भ आपको यहां से लिखना है। अच्छा, संदर्भ में क्या लिखा जाता है, चीज मैं कंफर्म कर देता हूं। देखो, संदर्भ में वो चीज लिखते हैं किस पार्ट से लिया गया, कहां से लिया गया। जैसे हमारा इंट्रो होता है ना, कि हमसे कोई पूछे कि कौन है मिडिल एजुकेशन, तो मैं बताऊंगा कि मिडिल एजुकेशन ये है, यहां से बिलोंग करता है, इस प्रकार से पढ़ाता है यहां पर। ठीक, तो ये मिडिल एजुकेशन छोटा सा संदर्भ हो गया। लेकिन जब कोई कविता लिख दी, कोई लाइन लिख दी और बोले कि अच्छा मिडिल एजुकेशन, इसका वर्णन करो, मतलब अपने शब्दों में लिखो, उसे कहते हैं अर्थ। और अर्थ से छोटा रूप, बहुत छोटा, 1-2 लाइन का अर्थ में क्या कह रहा है, इसको 1-2 लाइन में बताना, इसे हम कहते हैं संदर्भ। नहीं आया ना समझ में, देखो अगेन ध्यान देना। जैसे मेरी कविता हो गई, ये कविता का परिचय क्या है, मतलब ये कविता आया कहां से। अरे सपोज दैट, जैसे मेरा जन्म हुआ, ठीक, अब कोई बड़े आए तो पूछेंगे भाई तुम कौन हो, किसके बेटे हो, आपके बब्बा का नाम क्या है, यही तो मेरा संदर्भ हो गया भाई।
मेरे से पूछा ना किसके बेटे हो, मतलब मेरा परिचय क्या है, वही हो गया संदर्भ। संदर्भ में वही लिखा जाता है कि किस पाठ से लिया गया। देखो यहाँ पे लिखा है उपरोक्त पंक्तियां कबीर द्वारा रचित सखी सखी और संबंध से ली गई है। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है, तो कहां से आया है इसे कहते हैं संदर्भ। लेकिन अर्थ की मैं बात करूं तो अर्थ जानते हो, ये जो पूरा लाइन लिखा है इसका अपने शब्दों में लिखना अर्थ कहलाता है। और यहीं पर यदि मैं प्रसंग की बात करूं तो अर्थ का छोटा रूप उसे कहते हैं प्रसंग। ठीक है, तो आपको इस चीज को देखना है। चलिए आगे पेज पलटा लेते हैं और कौन से प्रश्न आ रहे हैं। इसमें आपको छठवां नंबर को रेडी करना है, छठवां नंबर आपके एग्जाम में आ रहा है। इसके अलावा आपको नवा नंबर रेडी करना है, बस तीन ही रेडी करने हैं। और डेफिनेटली तीन में से दो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और दो नहीं आया तो एक तो आएगा ना, लेकिन पक्का आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, चलो तो अब यहां से हमारा काव्यबोध स्टार्ट होता है। काव्यबोध के लिए अलग से मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और काव्यबोध को अलग से डिस्कस करूंगा। काव्यबोध का टोटल बीटेज है आपके एग्जाम में 10 नंबर का, तो 10 नंबर के लिए एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो मैं वीडियो को एंड करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो और नेक्स्ट सेशन आप देखना चाहते हो कि काव्यबोध को कवर करें, सो वीडियो को लाइक करना। वीडियो को लाइक का टारगेट रखता हूं 100 लाइक, बहुत ही कम है, 100 लाइक है मात्र। यदि 100 लाइक हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली काव्यबोध का पार्ट नंबर सेकंड जल्दी अपलोड कर जाएगा। सो वीडियो को एंड करता हूं, आप एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।